हिमाचल प्रदेश की जनता ने लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सक्सेसफुल बनाने के लिए योगदान दिया है। मैं इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। इस वक्त आज का डेट में हिमाचल में 3 और केसेस हुए हैं। 2 केस जो ब्रुकलिन हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज है जिन्होंने NRI लेडी को ट्रीटमेंट किया उनमें पॉजिटिव आया, और 1 केस जो ऊना जिले के अंब तहसील का एक तबलीग जमात के संबंधित व्यक्ति का पॉजिटिव आया। इसके साथ साथ 3 लोग जो टांडा हॉस्पिटल में पॉजिटिव पाए गए उनका अब नेगेटिव रिपोर्ट आया और उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसलिए हमारा स्थिति बराबर रहा है, लेकिन हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे जैसे केसेस आते हैं हम इसका जो ट्रांसमिशन चैन को रोकने के काटने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए हमने 760 जो तबलीग जमात से संबंधित लोगों को इस वक्त क्वारंटाइन में रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस कम्युनिटी स्प्रेडिंग को हिमाचल में रोकने में हम कामयाब रहेंगे। एक बात मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है ये हम सब के लिए बहुत यूजफुल है। आरोग्य सेतु ऐप जो है सिंगापुर और साउथ कोरिया ने अडॉप्ट किया था, वहां पे कोरोना वायरस का जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग कंट्रोल करने में उन देशों में काफी कामयाब रहा है, क्योंकि इस ऐप को आपको डाउनलोड करने से आपको पता लगता है कि आपके आसपास कोई कोरोना वायरस का संक्रमित आदमी तो नहीं है, कोई हॉटस्पॉट तो नहीं है, और आपको सारी जानकारी भी इसी ऐप में है, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और आप किसी भी भाषा में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप हिंदी में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पालना कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी जानकारी अपनी तरफ से देना होगा, और उसके बाद इस ऐप से आपको रोज पता लगता है कि आप कितना सेफ है। अगर भारत जैसा देश में ये अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाती है तो ये एकमात्र रास्ता रहेगी। इसलिए जिनके पास एप्पल फोन है वो एप्पल स्टोर में जाके आरोग्य सेतु टाइप करे, ऐप डाउनलोड करे, और जिनके साथ एंड्रॉयड फोन है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत ही आवश्यक है। अगर बहुत ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करते हैं, करोड़ों में इसको डाउनलोड करते हैं, तो हम पूरा देश इकट्ठा होके कोरोना वायरस का सामना कर सकते हैं। ये पहलू भारत सरकार का है, पालना करना हम सबका कर्तव्य है। और इसी तरह एक वेब पोर्टल है ईगॉट, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस वक्त इस वेब पोर्टल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय है। इसी तरह एक समाधान वेब पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, इससे आप जो भी सलाह देना चाहते हैं लॉकडाउन के बारे में या सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या कोरोना वायरस को इस देश में कंट्रोल करने के बारे में, ये आपका सजेशन मंत्रालय कंसीडर करेगा और इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। इसलिए हो सकता है आपकी एकमात्र सजेशन से पूरे देश में हम संक्रमण को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, इसलिए जरूर इस वेब पोर्टल का आप इस्तेमाल करिए। एक हमारे नॉलेज में आया है कि जो ऑनलाइन मेडिसिंस जो परचेस करते हैं इसमें काफी फेक मेडिसिंस भी दिया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा इस हालात में अवॉइड करें, और होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिंस का प्रावधान है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या मेडिकल शॉप में जाके आप खरीद सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा डेंजर है इस वक्त ऑनलाइन जो मेडिसिंस ऑर्डर करने के बारे में। और हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, आपको संयम बरतना चाहिए और इस हालत में मेंटल जो बैलेंस बना के रखना बहुत आवश्यक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मामले को थोड़ा गंभीर से ले लें और अपने घर में जो संतुलन बनाए रखें। और जो डॉक्टर्स और नर्सेस ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम इस वक्त कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो फ्रंटलाइन ड्यूटी पर है, मैं इनके अगर साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे।
और इनकी अपनी समस्या है, ये भी घर में बैठना चाहते हैं लेकिन ड्यूटी की मजबूरी से ये जाके सेवा कर रहे हैं। और साईं बाबा ने कहा कि जो मेडिकल प्रोफेशन है वो सबसे श्रेष्ठ प्रोफेशन है, दूसरों को जिंदगी बचाने के लिए जो है वो दिन रात काम करते हैं। और कोई भी पेशेंट आता है उसका धर्म, जाति, लैंग्वेज, कास्ट नहीं देखते हैं, तो सिर्फ वो बीमारी देखते हैं और बीमारी का इलाज प्यार से करते हैं। ये बात हम सबको समझना चाहिए। और इसी तरह पुलिस के जो कर्मचारी है ये भी छुट्टी जाना चाहते हैं, इनकी भी पर्सनल समस्याएं हैं और ये भी ड्यूटी करने के लिए मजबूर है और इस वक्त सड़क पे खड़े हैं, इनकी भी मेंटली दे आर स्ट्रेस्ड और इसलिए इनके साथ भी दुर्व्यवहार करना नहीं चाहिए। और साईं बाबा ने यह भी कहा कि पुलिस का जो ऑफिसर है, ड्यूटी पर है, पुलिस अधिकारी है, उनको बहुत ज्यादा बैलेंस रहना चाहिए, सिर्फ मुलजिम के ऊपर ही कार्रवाई करना चाहिए। अगर हम किसी को अब्लाइज करने के लिए किसी कारण से हम अगर किसी को गलत अरेस्ट करते हैं, गलत प्रोसिक्यूट करते हैं, उसको हमको भुगतना पड़ेगा, इसलिए ये हमारे ऊपर है इसको अच्छा बनाना या बुरा बनाना। अगर हम सिर्फ मुलजिम के ऊपर ही कार्रवाई करते हैं और अपना पावर को कभी मिसयूज ना करते हैं तो ये बहुत अच्छा सर्विस है। और आप लोग थोड़ा सा संयम बरतना जरूरी है, इस वक्त जो है जो मेंटल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और आपको सोचना चाहिए कि नेल्सन मंडेला जो है ये 27 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे हैं और इनका मेंटल स्टेट परफेक्ट हालत में था और वो बाद में साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बन के साउथ अफ्रीका का सेवा कर सके, इसलिए अगर वो 27 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रह सके तो हम 14 दिन या महीना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। मैं पुनः आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलके विश्व को रोग मुक्त होने के लिए दुआ करें। धन्यवाद। जय हिंद।